हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर काउंटिंग इन ग्रुप्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 12, होप टिल यू ड्रॉप। तो बच्चों, होप क्या होता है? कूदना, छोटी छोटी जंप करनी, मीन्स फुदकना। तो टिल यू ड्रॉप, जब तक तुम नहीं गिरते। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। तो बच्चों, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार कर सकते हो आप अपने राइट फुट पे, अपने दाएं पैर पर बिना गिरे कितनी बार? जैसे बचपन में आपने कई गेम्स खेली होंगी, इसको कहते हैं, एक तो सिंपल दोनों पैरों से आप एक दूसरे को पकड़ते हो, एक बच्चा दाई देता है, फिर एक लंगड़ी टांग करके कभी लेफ्ट वाली कभी राइट वाली, तो एक बर्फ पानी, इस तरह की गेम्स खेलते हो। तो इसमें हमने क्या करना है, एक बार राइट फुट ऊपर उठाना है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, तो इस तरह टांग करके पकड़ना है। तो आप इसको कितनी बार कर सकते हो? तो बच्चों, आप ट्राई करके देखना कि आप इसको कितनी बार कर सकते हो, जैसे कि मतलब कितने कदम चल सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप अपने आप ट्राई करके देखना, तो आप इसमें लिख सकते हो कि आप कितना राइट से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कितना है, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। अब आपने क्या करना है, बाएं पैर से करना है कि बिना गिरे आप कितना कूद सकते हो, तो ये भी आपने करके देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखोगे 2 times, 3 times, 4 times, ऐसे लिखोगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ज्वाइन द डॉट्स, डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो बच्चों, जो जो डॉगी इज हंगरी, जो डॉगी है उसका नाम जो जो है, बहुत भूखा है, ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर। हमने इन डॉट्स को ऑर्डर में क्या करना है, ज्वाइन करना है। और डॉट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम 21 to 52। तो 21 से हमने शुरू करके, एंड फाइंड आउट व्हाट इट हिडन फ्रॉम हिम टू इट, और फाइंड आउट करना है कि इसके खाने में क्या छिपा हुआ है, कि इसके खाने के लिए क्या छिपा हुआ, हिडन छिपा हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट, सी केयरफुली पेज नंबर 12 एट द बॉटम। तो बच्चों देखो, 21 से शुरू करना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो ऐसे ऐसे काउंट बोलते रहो और करते रहो। तो बच्चों करो स्टार्ट, आप भी अपनी कॉपीज पे, अपनी बुक्स पे स्टार्ट करो, नंबर्स को ज्वाइन करते रहो। देखो ये पपी के लिए क्या बना हुआ है खाने के लिए, इसको लाइंस के साथ ड्रॉ करते जाओ। आपको काउंटिंग तो आती है ना, काउंटिंग आगे आगे बढ़ाते रहो। देखो बच्चों, ये क्या बन गया, क्या है, बोन, जो डॉग खाता है, बोन मीन्स हड्डी। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 13, नॉटी बुरो। बुरो हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक। बुरो क्या है, देखो बच्चों, पिक्चर में एक पप्पी है, उसने क्या करा, इस बुक के पेजेस कुछ फाड़ दिए हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है। उसके माउथ में क्या है, दो पेज हैं, एक 49 पेज और एक 53 है, बाकी के पेज किसके पास है, बॉय के पास है। एंड नेक्स्ट क्या है, राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो बच्चों हमने इन पेजेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है काउंटिंग के मुताबिक। तो बच्चों देखो, हमें एक सेकंड नंबर पे पेज नंबर दे रखा है 48, तो 48 से बिफोर क्या आता है, 47। तो आप देखो, लड़के के पास पेज है जब बूरो के पास है, तो बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि पप्पी के पास है जब बॉय के पास है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि पप्पी के पास कौन कौन से पेज थे, 49 और 53, तो किसके पास हुआ, लड़के के पास। तो 47 हम कहाँ से लेंगे, लड़के से। और नेक्स्ट 48 है, 48 के बाद क्या आता है, 49, तो वो किसके पास है, पप्पी के पास, 49। और 49 के बाद क्या आता है, फोर्थ नंबर पे आएगा 50, 50, तो ये लड़के के पास है। 50, 50 के बाद क्या आता है, 51, 51, तो ये भी लड़के के पास है। 51, 51 के बाद क्या आता है, 52, तो ये भी लड़के के पास है। और लास्ट नंबर क्या है, 53, जो क्या, जो किसके पास है, पप्पी के पास। तो बच्चों ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया, कुछ पेज पप्पी के पास है और कुछ लड़के के पास। और नेक्स्ट हमारी क्या है, पजलिंग टेल, पजलिंग टेल। तो बच्चों
इसमें क्या है, जो टेल है उसको पजल बना रखा है। जैसे आप पजल गेम्स खेलते हो ना, उलझी होती है गेम, उसको हमने सुलझा के रास्ता बनाना होता है, वैसे ही ये है। तो ध्यान से देखो, इसको क्या है, चिपकू रैट। जो एक रैट है उसका नाम क्या है, चिपकू। हैज ए लॉन्ग टेल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, उसकी क्या दिखा रखी है, बहुत लंबी पूंछ दिखा रखी है। व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। नॉटी कैट, तो देखो साइड में कैट दिखा रखी है, वो क्या करती है, सोचती है। ऑफ टाइंग हिज टेल, कि उसकी पूंछ को बांध दूं टू द पोल, जिस पे 27 नंबर लिख रखा है वो। शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर, तो बच्चों हमने सबसे बड़े नंबर से इसको स्टार्ट करना है पोल से। तो बच्चों इसमें जो भी बिगेस्ट नंबर होगा, तो आप ध्यान से देखो, बिगेस्ट नंबर है हमारे पास 37। शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑर्डर, और 37 से सबसे बड़े नंबर से होते होते हमने सबसे छोटे नंबर पे जाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। हेल्पिंग हर इन टाइंग, और उसकी सहायता करनी है उसको बांधने में। टाइम, वट द टेल शुड नॉट क्रॉस, पर उसकी पूंछ क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इट्स सेल्फ एनी बियर, अपने आप कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमने बांधना है उसकी अपने आप नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि हम उसकी पूंछ बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे जाते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट, तो बिगेस्ट नंबर 37, 37 से पहले क्या आता है, 36, फिर जाएंगे हम 35 नंबर पे, फिर जाएंगे 34 नंबर पे। बच्चों ये पजलिंग गेम है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। 34 के बाद जाएंगे 33, 32, 31, 30, 29, 28 एंड पोल पे जाते हुए जाएंगे 27 नंबर। ये हुई हमारी पजलिंग गेम। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द बिग कैरेट। सो गुड बाय, टेक केयर।